तो आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने उस गाय का दूध निकाला था, और इस पार्ट टू में इस काली गाय का दूध निकाला। ये है गाय, और ये शायद मारती है, तो मुझे पता चला है तो ये चली जाएगी। और ये जो है इसका बच्चा है। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और अभी जस्ट हम सोकर उठे हैं, तो चलते हैं मुंह धोते हैं। अभी मुंह भी नहीं धोए हैं, काम है मुझे, पता ही होगा क्या होगा, इन सब का दूध निकालना है। और आज ना एक और गाय आ रही है मेरे यहाँ, मेरे इस बाड़ा में, मतलब इसको तबेला कहते हैं, तबेला में एक और आज गाय ऐड हो जाएगी, जो कि कुछ देर में आ जाएगी। तो फिलहाल अभी 3 है, एक और आ जाएगी तो 4 हो जाएगा, और ये है इसका बच्चा। अभी चलते हैं इनका दूध निकालते हैं, और मौसम देख सकते हैं सुबह का कुछ इस तरह है, आज सुबह बारिश भी हुई है थोड़ा बहुत। उन सबका दूध निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कुछ करते हैं। ये है गाय, और ये शायद मारती है, तो मुझे पता चला है तो ये चली जाएगी वापस, इसके बदले में दूसरी गाय आएगी। मतलब इस तरह तो नहीं मार रही है, पर पास जाने में ना मार देगी, तो ये शायद वापस जाएगी, अभी कन्फर्म नहीं है, जाएगी तो दूसरी आएगी। और ये तो पहले से ही थी, बाकी वो दोनों भी पहले से ही थे। और इसका ये ना इसका बच्चा है इसका, और ये जो है इसका बच्चा है। अब तो अभी देखते हैं ये जाएगी या रहेगी, अभी पता नहीं है, इसका कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है, लेकिन दूध काफ़ी अच्छा दे रही है, छोटी सी है पर 9 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम में, तो दूध से मतलब रहता है हमको। लेकिन गाय सीधी रहती है तो और भी अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत तेज होप रही है, मतलब मार देंगी सिंग लिए मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए शायद चली जाएगी। सबकी रखवाली के लिए हमने कुछ जुगाड़ लगाया है, मतलब कुछ काम करवाया है घर पे, तो आपको दिखाते हैं। जुगाड़ नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगा है, तो उसको कुछ काम करवाया है बोल सकते हैं। तबेले को पूरे देखने के लिए मैंने कैमरे लगवा दिए हैं, और कैमरा बहुत ज़रूरी भी था, एक बरामदा में वो कोने, और बाहर भी 2 लगवा दिए हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, देख सकते हैं कोने कोने। और 2 कैमरे बाहर लगवाए हैं क्योंकि ज़रूरी था, और कुछ रीज़न की वजह से लगवाना पड़ा, वो आपको नहीं बता सकते। आप लोग समझदार हैं, क्यों कैमरा लगवाते हैं घर में, आपको पता ही है, तो इसीलिए लगवा दिए हैं हम भी। शायद ये परसों लगा है, तो 7 कैमरे लगा है, बाकी 2-4 तो दिखा दे, 3 अंदर लगा हुआ है, तो उसको तो लग चुका है, तो लगवा दिए हैं कैमरे, और सही भी है, कैमरा बहुत ज़रूरी था घर में लगाना। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो सुबह के बज रहे हैं 10, अभी फ़िलहाल सब आएंगे क्रिकेट खेलेंगे, आज 22 तारीख है तो सबका मैच भी, तो आज 22 तारीख है, आज 10th एंड 12th वालों का पेपर भी होगा, तो सब पेपर देने गए होंगे, और देखते हैं आज क्रिकेट होता है कि नहीं होता है। फिलहाल बहुत मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, लेकिन कोई है नहीं गांव में, सबका पेपर है, पेपर देने गए हैं, बस अकेले हम ही हैं, जो कि हमारा 12th अगले ही साल हो चुका था कंप्लीट। तो ये मैं ब्लॉग बना रहा था, मेरी तरफ ताक रही है, क्या हुआ, भाग रही है भाई। 3 गाय से 4 गायें हो चुकी है, अभी एक और आएगी 5 हो जाएगी, लेकिन ये चली जाएगी तो 4 हो जाएगी। तो जो व्हाइट गाय थी वो चली गई है, उसके बदले में एक काली गाय आ चुकी है, और ये सीधी गाय है, ये मारती नहीं है, इसके पास जाने पे ये नहीं मारती, और इसका बच्चा ये रहा, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है, रंग बिरंगा, ब्लैक एंड वाइट, नहीं ब्राउन एंड वाइट, नहीं ब्राउन एंड वाइट है, और इसका ये, तो हम नहीं थे घर पे तब आई है, इसलिए उतार इसका भी उतारने का वीडियो नहीं बना पाया, और इसको तो देखेंगे आप लोग। चलते हैं अभी 4 का दूध निकालते हैं, और आज ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मिलते हैं आपसे, दूध निकालने के बाद। तभी शाम के बज गए बैठे 6, तभी हम अपनी गैया का दूध निकालने जाते हैं, कैसे कि मम्मी का नाम है कि दूध निकालना, तभी छन्ना मारती गैया के ताकि लात ना उठा के हमके मार दे, तभी बछड़ा पी रहा है, जब दूध निकालने लायक हो जाएगा तो बछड़े को कर देंगे हम साइड। बहुत जब्बर हो चुका है दूध पीकर, इसलिए अब मेरे से जा नहीं रहा है, पर मैं इसको बांध दिया, और अब दूध निकालते हैं। तो मुझे 3 गायों का दूध निकालना है, एक गाय को मैंने पहले निकाल दिया है, एक दूसरी गाय का निकाल रहा हूँ, और उसके बगल में एक गाय है ना, उसका भी दूध निकालना है, तो अभी पहले इसका निकालते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस गाय का दूध निकाल लिए हैं, अब इसको चलते हैं बल्टा में पलट देते हैं।
आखिर 5 मिनट में इसका दूध मैंने निकाल लिया है, अब दूसरे गाय का दूध निकालना है मुझे, तो इसको पलट दिए बल्टा में। तो हाँ अभी रात के बज चुके हैं 8, अभी टाटा आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, तो अब जा रहे हैं मैच देख रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है क्या क्या हुआ है आज, आपने ब्लॉग देखा होगा पूरा। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं इस पे खत्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।